अच्छा जी, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए पहला स्टेप क्या किया जाता है। स्टेप नंबर वन जो हम करते हैं वो अपनी कैश बुक को एडजस्ट कर देते हैं। जब कैश बुक को एडजस्ट करने जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि कैश बुक का रॉन्ग बैलेंस दिया हुआ है और आप उसमें एरर्स और ओमिशंस, जो भी एरर्स और ओमिशंस आपकी कैश बुक में हो चुके हैं उनको प्लस माइनस करके आप अपनी कैश बुक को एडजस्ट कर लें। अब ज़रूरी नहीं है कि टी अकाउंट फॉर्मेट में ही एडजस्ट करें, वैसे भी कर सकते हैं। हमें करेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करना है आफ्टर एरर्स एंड ओमिशन। ये करने के बाद फिर हम इस करेक्ट बैलेंस को स्टेप नंबर टू में कंपेयर करते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। बैंक बैलेंस, जो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आता है, बैंक स्टेटमेंट मंगवाया आपने, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इससे एडजस्टेड कैश बुक से टाई नहीं हो रहा। अब आप टेंशन में आ गए यार, ये क्या हुआ, हमने तो अपने एरर्स ठीक कर दिए। तो भाई वो एरर्स भी तो हो सकते हैं जो टाइमिंग डिफरेंसेस और बैंक एरर हो सकते हैं, उससे हम ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब सवाल पर डिपेंड करता है कि उसने सवाल में पूछा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और वो रिक्वायरमेंट स्टेप नंबर वन से सॉल्व होगी, स्टेप नंबर टू से सॉल्व होगी, या दोनों स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो सवाल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है और उसके हिसाब से हम जा सकते हैं, ठीक है। मसलन कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस फाइंड आउट करना, तो कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेप नंबर वन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस ही नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है स्टेप नंबर वन से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि स्टेप नंबर टू में बैंक बैलेंस से कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस निकल सकता है, तो हम स्टेप नंबर टू से काम करेंगे। इसी तरीके से उसने कहा हुआ है कि बैंक बैलेंस निकालें, बैलेंसेस पर बैंक स्टेटमेंट निकालें, तो हम स्टेप नंबर टू से निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें हो सकता है पहले कैश बुक को एडजस्ट करना पड़े, तो हम स्टेप नंबर वन भी करेंगे। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से स्टेप से हमारा आंसर निकलेगा। नाउ लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट बॉक्स इन द टेबल बिलो टू शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक इन परफॉर्मिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन। अच्छा जी, अनरिकॉर्डेड आइटम्स जो रिकॉर्ड नहीं हुए, टाइमिंग डिफरेंसेस और एरर्स, हमें इनको क्लासिफाई करना है, टिक करना, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटेड बैंक चार्जेस, बैंक ने ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया, तो हमने डिडक्ट नहीं किया, अनरिकॉर्डेड आइटम। अनप्रेजेंटेड चेक्स, टाइमिंग डिफरेंसेस। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, अनरिकॉर्डेड। डिसऑनर्ड चेक, अनरिकॉर्डेड। डायरेक्ट डेबिट, अनरिकॉर्डेड। अनक्लियर लॉजमेंट्स, टाइमिंग डिफरेंस। डबल चार्ज अकाउंट फी, अकाउंट फी डबल चार्ज कर ली, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटिटीज कैश बुक एट 31 दिसंबर शोज अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस अब आपको पिक करना पड़ेगा कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव। व्हेन द बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड इट इज फाउंड दैट चेक्स ड्रॉन बाय द एंटिटी 274 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक्स। इन एडिशन द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बैंक चार्जेस ऑफ 58 व्हिच हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अभी दो चीजें दी हैं, एक तो अनप्रेजेंटेड चेक है। अब अनप्रेजेंटेड चेक तो बैंक रिकंसिलिएशन आइटम है ना, हमने पढ़ा था कि अनप्रेजेंटेड चेक जो होता है वो बैंक रिकंसिलिएशन आइटम होता है, बैंक रिकंसिलिएशन आइटम। और बैंक चार्जेस जो बैंक ने डिडक्ट कर लिए, हमने डिडक्ट नहीं किए, तो वो बैंक चार्जेस तो कैश बुक आइटम है। ये दो अलग अलग चीजें दी हुई है ना, और सवाल में जो बैलेंस दिया हुआ है वो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है बिफोर दीज थिंग्स, तो इसका मतलब ये अनएडजस्टेड बैलेंस है, कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस है। अब पूछा क्या है, इस पर डिपेंड करता है, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट 31 दिसंबर को जो बैंक स्टेटमेंट आया था उसका बैलेंस हमें नहीं पता। तो बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट तो हम स्टेप नंबर टू से निकालेंगे, लेकिन स्टेप नंबर टू निकालने के लिए पहले हमें स्टेप नंबर वन से अपनी कैश बुक को एडजस्ट करना है। तो हमें अपनी कैश बुक बनाई, ये हमारी कैश बुक आ गई, कैश बुक का हमारे पास डेबिट बैलेंस आ गया 2125। अब हमें ये चेक करना है कि कोई ऐसा आइटम है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ,
तो हमने कहा यस, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए, बैंक चार्जेस हमेशा क्रेडिट होते हैं, बैंक चार्जेस हमने इसमें से डिडक्ट कर दिए। अब जब आपने बैंक चार्जेस डिडक्ट किए तो 2125 में से आप बैंक चार्जेस डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 2125 - 58 2067। ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया 2067। अब इस एडजस्टेड बैलेंस से लेकर हम रिकंसिलिएशन बनाते हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं पता माइनस अनप्रेजेंटेड चेक्स, दिए हुए सवाल में अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स माइनस है 274। बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये कहाँ से लाए, सवाल में तो गिवन नहीं था, ये हमने पहले स्टेप में कैलकुलेट किया, ये बैलेंस आ गया, ये पॉजिटिव बैलेंस है ना, यहाँ रखा हुआ है इसका मतलब ये बीडी बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो अब हम रिवर्स वर्किंग करते हैं, 2067 पॉजिटिव रखा हुआ है, माइनस जो रिवर्स वर्किंग में जाएंगे तो ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2341 2341, ये बैंक का बैलेंस आ गया। और ये बैंक का बैलेंस क्योंकि पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव बैलेंस को हम क्या कहेंगे, बैंक का क्रेडिट बैलेंस, हमारा डेबिट बैलेंस बैंक का क्रेडिट बैलेंस, हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है तो डेबिट बैलेंस होता है, बैंक का पॉजिटिव बैलेंस होता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस क्या आएगा, 2341 फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है हमारे फेवर में आ रहा है। योर कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस, अब क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ कैश बुक का यानी कि माइनस में बैलेंस, अपॉन कंपैरिजन विद द बैंक स्टेटमेंट यू डिटरमाइन देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक्स, एक अनप्रेजेंटेड चेक्स है और एक रिसीट आई थी 140 की जो कि अभी बैंक स्टेटमेंट में से पास नहीं हुई, यानी कि बैंक में जमा करवाया था लेकिन बैंक से पास नहीं हुआ, इसको हम कह देते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स, लॉजमेंट्स भी कह सकते हैं, जो भी चीज जमा होती है उसको लॉजमेंट्स भी कह सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट शोज बैंक चार्जेस ऑफ 75 दैट हैड नॉट बीन एंटर्ड, बैंक स्टेटमेंट में से 75 डिडक्ट हो चुके, कैश बुक में वो 75 डिडक्ट नहीं हुए, तो तीन आइटम दिए हैं और बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का जो कि अनएडजस्टेड है। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस चाहिए, वही काम करेंगे, पहले स्टेप नंबर वन करेंगे, कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, कैश बुक का बीडी बैलेंस अब यहाँ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है और बैंक चार्जेस भी यहाँ आएंगे, बैंक चार्जेस। अच्छा, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि ये कैश बुक है या वो बैंक रिकंसिलेशन आइटम है, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आ गया 2480 प्लस 75 2555, ये हमारा बैलेंस बचा, ये हमारा एडजस्टेड बैलेंस आ गया और ये एडजस्टेड बैलेंस सेकेंड स्टेप में चला जाएगा, बैलेंस एज पर बैंक नहीं पता माइनस अनप्रेजेंटेड दिए हुए 450 एड अनक्रेडिटेड 140, बैंक चार्जेस इसके अंदर नहीं आते, बैलेंस एस पर कैश बुक एडजस्टेड, एडजस्टेड कितना निकला माइनस 2555। अब ये माइनस में ना, याद रहे ये माइनस के अंदर है, नेगेटिव बैलेंस होगा माइनस 2555। अब निशानी चेंज हो जाएगी रिवर्स वर्किंग में, 140 प्लस में तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी कि 2555 भी माइनस में और 140 भी माइनस में और 450 माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा रिवर्स वर्किंग में, 2245 का
आंसर आ गया 2245 माइनस में आंसर आ गया। माइनस में आने का मतलब क्या है, माइनस में आने का मतलब है ये डेबिट बैलेंस है, तो ये आ जाएगा माइनस 2245। तो इसमें ख्याल जो हमें रखना है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का ख्याल रखने में स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है। तो ये अगर ये ख्याल रख लिया जाए कि डेबिट बैलेंस किसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस किसको कहते हैं, तो चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाती हैं। एक और सवाल देखते हैं। ABC has just completed the following reconciliation. Bank reconciliation statement बना के दिया हुआ है, हमें error पकड़ना है इसके अंदर। Balance as per bank statement दिया हुआ है, unpresented checks add हुए हुए हैं, uncleared minus हुए हुए हैं, balance as per cash book आया हुआ है। Which figure for cash should be included in the trial balance? देखें financial statement में balance sheet में cash का जो balance जाता है ना वो adjusted balance जाता है। एडजस्टेड बैलेंस यहां पे दिया हुआ तो है, हमें सिर्फ ये चेक करना है ये ठीक है या गलत है। तो हमारे सामने जो बैलेंस आ रहा है, हमारे सामने जो बैलेंस आ रहा है वो एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है, चाहिए अनप्रेजेंटेड माइनस होने चाहिए ना। तो 9564 में से 772 माइनस होने चाहिए और 218 प्लस होना चाहिए। इसको हम ठीक कर देते हैं, साइन का फर्क है, 9564 माइनस 772 एंड प्लस 218, ये हो गया 9। अच्छा इसके अंदर जो निशानी का भी फर्क है ना, तो हमने जो निशानी को असेस करना है क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ कि बैंक का बैलेंस जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब लिखा हुआ तो है लेकिन मेंशन नहीं किया हुआ। अब देखें अगर इसने इसके अंदर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड किए हैं, अनक्लियर लॉजमेंट्स माइनस किए ना, तो ये जो बैलेंस है ना वो कंसीडर टू बी अ नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि देखें नेगेटिव बैलेंस होगा ना तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इसलिए इसने सर साइन हटा के, तो हमने यहाँ से पिक किया कि इसने बैंक स्टेटमेंट में अनप्रेजेंटेड चेक तो माइनस होता है नॉर्मल में से, तो इसने ऐड किया, इसका मतलब ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए आज से ये आंसर ठीक है, फिर सही है। अगर हमें वैसे ही बताया होता ना बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नेगेटिव है डेबिट है क्रेडिट है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अब ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस जो है वो माइनस में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज माइनस में है, तो ये बैलेंस माइनस में आ रहा होगा, नेगेटिव बैलेंस है और बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आंसर होगा। तो साइन ना दिया हुआ हो तो ये एक तरीका हमने इसमें पकड़ा कि साइन पिक करने का तरीका क्या, इसे हम साइन भी पिक कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ 6800 ओवरड्रॉन, कैश बुक का बैलेंस है नेगेटिव, इट इज subsequently discovered that a standing order payment यानी के जो हम minus करते हैं has been entered twice, दो मर्तबा minus हो गई है, and that a dishonored check had been debited in the cash book instead of credit, दोनों cash book errors हैं, दोनों errors कौन से हैं, दोनों cash book errors दिए हैं, cash book का opening balance दिया हुआ है overdrawn, कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ है ओवरड्रॉन, यहाँ आ जाएगा ओवरड्रॉन क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है। अच्छा एरर क्या हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर क्रेडिट साइड पर दो मर्तबा रिकॉर्ड कर लिया, तो स्टैंडिंग ऑर्डर को एक मर्तबा डेबिट कर देंगे तो कैंसिलेशन हो जाएगी, जब भी चीज कोई दो मर्तबा रिकॉर्ड हो जाए तो उसको उसकी अपोजिट साइड पर जाकर एक मर्तबा रिकॉर्ड कर लें वो कैंसिल हो जाती है। अच्छा डिसऑनर्ड चेक यहाँ आते हैं क्रेडिट साइड पर आते हैं ना, यहाँ आते हैं क्रेडिट साइड पर, उसको आपने डेबिट साइड पर लिख दिया, तो जब भी कोई चीज क्रेडिट साइड वाली डेबिट साइड पे लिख दी जाएगी तो उसको दोबारा क्रेडिट करना पड़ेगा डबल अमाउंट से, यानी कि 1500 से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये रूल याद रखें, जब भी कोई चीज किसी एक साइड के ऊपर ज्यादा आ गई तो ऑपोजिट साइड पे लिख दें,
जब भी कोई चीज क्रेडिट के बजाय डेबिट पे चली गई तो डबल अमाउंट से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो बैलेंस है 6800, 1500 माइनस 300, हमारा बैलेंस बच गया ये 8000 का क्रेडिट बैलेंस। बीडी सीडी देख के डेबिट क्रेडिट का अंदाजा लगाते हैं ना, तो ये सीडी यहाँ लिखा हुआ है तो उसका बीडी बैलेंस ही आएगा, बीडी बैलेंस ही आ रहा है तो उसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का जो होता है वो एबनॉर्मल बैलेंस होता है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस, यानी कि आपका कैश अकाउंट जो है बैंक के पास माइनस में चला गया। यू हैव बीन प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंटिटी, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, अनएडजस्टेड है या एडजस्टेड है ये देखना पड़ेगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स दिए हुए, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, अगर बैंक चार्जेस एंटर ही नहीं हुए इसका मतलब है ये अनएडजस्टेड यानी कि रॉन्ग बैलेंस है, रिसीट्स नॉट येट क्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड चेक्स, रिसीट जमा हुई लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं की, डिसऑनर्ड चेक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, सारी चीजें दी हुई, करना क्या है दोनों स्टेप्स करेंगे, prepare a statement that shows any necessary correction to the cash book balance and a statement that reconcile the bank balance. तो सबसे पहले हम कैश बुक को ठीक कर लेते हैं, कैश बुक को ठीक करने के लिए हम उसका टी अकाउंट बना लेते हैं, बैलेंस पर कैश बुक, अब मैंने डेबिट साइड भी क्यों लिखा, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है ना, तो हम इसे नॉर्मल डेबिट बैलेंस ट्रीट करेंगे, बैंक चार्जेस क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक चार्जेस थे 100 के, डिसऑनर चेक रिकॉर्ड नहीं हुआ ये भी क्रेडिट साइड पर आता है 170 का, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बैंक रिकंसिलेशन में जाएंगी, तो इसका हमने रिमेनिंग बैलेंस निकाल लेना है, 1245 में से 270 माइनस कर देते हैं, वन टू फोर फाइव माइनस 100 माइनस 170 975। अच्छा जी अब रिकंसिलेशन बनाते हैं, बैलेंस एज पर बैंक 1400 ये भी नॉर्मल बैलेंस है, इसमें से अनप्रेजेंटेड माइनस कर देते हैं, वो चेक जो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, और वो रिसीप्ट्स जो क्लियर नहीं हुई वो ऐड कर देते हैं, टाइमिंग डिफरेंस दिए हुए दोनों 465, तो 1400 का बैलेंस है माइनस 890 प्लस 465 975 का कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस होना चाहिए, ये मैच भी करेगा ऊपर देखो 975 और ये 975। अच्छा बाज दफा ऐसा होता है कि आपको ओरिजिनल जो ना बैंक स्टेटमेंट दे दी जाए और उस ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट से फिर आप आगे जाके जो वो चीजें बनाएं, तो अब वो करना यूजुअली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि जी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उस ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट से आप कैसे बनाएंगे, तो ये बात ध्यान में रखें कि जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगा, जब भी आपको बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा तो उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर सारी चीज़ें बताई भी होंगी कि बैंक ने अब तक क्या क्या प्लस किया क्या क्या माइनस किया, उसको देखें कैसे टैकल करेंगे। सपोज ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, आपके पास ये कैश बुक बनी हुई है जिसमें बैंक कॉलम बना हुआ है यानी कि कैश एट बैंक बना हुआ है, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 600, इसमें डेबिट साइड पे कुछ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, क्रेडिट साइड पे कुछ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, एंडिंग बैलेंस नहीं निकला हुआ, फिर आपको एक बैंक से स्टेटमेंट आया, डेबिट लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है, बैलेंस लिखा हुआ है, बैलेंस कितना है 635,
फिर एक कस्टमर से एक अमाउंट 35 का बैंक से डेबिट हो गया यानी कि निकल गया, एक 224 का डेबिट क्रेडिट हो गया यानी कि ऐड हो गया, तो बैलेंस देखें एडजस्ट हो रहा है, 635 में से 35 गया, 600 फिर ऐड हुआ बढ़ गया, फिर दोबारा निकल गया, और फिर एक स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट जो है वो यहाँ से डिडक्ट हो गई। अब सवाल की रिक्वायरमेंट है कि आप इस डेटा से करेक्टेड कैशबुक बनाएं और फिर रिकन्सिलिएशन बनाएं। अब करेक्टेड कैशबुक बनाने के लिए अनएडजस्टेड कैशबुक तो है ना हमारे पास, तो ये अनएडजस्टेड कैशबुक हमारे पास है, इसका जो भी बैलेंस दिया हुआ है वो 600 लेकर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो 600 को प्लस माइनस करके 30 जनवरी के ऊपर जो भी बैलेंस आ रहा है ना वो भी लेकर काम कर सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा जी, अब देखें सबसे पहले तो हम कैशबुक का बैलेंस निकाल लेते हैं ना, 600 प्लस 224 प्लस 186, 1010 माइनस 145 माइनस 72 माइनस 109, 684 का बैलेंस आ रहा है, 684 का बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जो बैंक का बैलेंस है वो शो हो रहा है 649, वो तो इसके साथ मैच ही नहीं हो रहा, अब क्या करें, वो बैलेंस तो इसके साथ मैच ही नहीं हो रहा, तो इसीलिए तो हम रिकन्सिलिएशन बनाते हैं ताकि जो बैलेंस मैच ना हो रहा हो उस बैलेंस को किसी तरीके से मैच किया जाए। अब देखें सबसे पहले तो हमें जो एरर्स एंड ओमिशंस है ना वो तो सवाल में गिवन होते हैं, अब क्योंकि उसने हमें कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट खुद दे दिया तो एरर्स और ओमिशन अब गिवन नहीं है, एरर्स और ओमिशन हमें खुद कैलकुलेट करने हैं, एरर्स एंड ओमिशन हम खुद कैलकुलेट करके फिर निकालना सीखेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखें, यहाँ पर कोई टेक्निक लगाते हैं एरर्स ओमिशन निकालने की। तो हमने एडजस्टेड बैलेंस अनएडजस्टेड बैलेंस ले लिया 684, ठीक है। अब आप देखें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैश बुक में नहीं होती, बैंक स्टेटमेंट में से शो हो रही होती है, डिडक्ट हो गई, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, बैंक ने डिडक्ट कर दिया है, हमने डिडक्ट नहीं किया, हमारे पास तो शो नहीं हो रहा ना 30 का स्टैंडिंग ऑर्डर, हमने ये स्टैंडिंग ऑर्डर यहाँ से डिडक्ट कर दिया 30 का। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बना लेते हैं, बैलेंस एज पर बैंक कितना आया 649, बैलेंस एज पर कैश ये निकाल लेंगे ऊपर से, ठीक है। अब कुछ चीजें मैच करते हैं, देखें मैच कैसे करते हैं, ये देखें डेबिट साइड पर अम्बर्टो है 224, अगर यहाँ डेबिट पे तो वहां क्रेडिट पर होगा, तो अम्बर्टो का 224 इसके साथ मैच हो गया, सही है, इसको तो कैंसिल कर दे, अम्बर्टो ठीक है, ठीक है। एल बॉन्ड हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया वो 186, वहां क्रेडिट साइड पर है 186, वहां क्रेडिट साइड के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है ये अनक्रेडिटेड हो गया, हमने जमा करवा दिया है बैंक ने जमा नहीं किया, ये अनक्रेडिटेड हो गया, यहाँ पर ऐड कर लिया। इसी तरह क्रेडिट साइड पे देखें तो एंडरसन की पेमेंट हुई हुई है, हमारे यहाँ डेबिट साइड पर 145 एंडरसन की पेमेंट हुई हुई है, मैच हो गई। फिर पैट्रिक 72 की पेमेंट हुई है, यहाँ डेबिट साइड पे 72 है नहीं है, तो ये अनप्रेजेंटेड हो गया। इसी तरीके से आपको खुद ढूंढना पड़ेगा ना, ठीक है। अब परवीन का एक बैलेंस है वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा हुआ है 109, तो इसको डेबिट साइड पे चेक करें परवीन के बैलेंस को, क्या ये डेबिट साइड के ऊपर बैलेंस आ रहा है परवीन का 109? नहीं आ रहा, तो ये एक और अनप्रेजेंटेड हो गया 109, ठीक है। तो पैट्रिक भी हो गया, परवीन भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब बैंक स्टेटमेंट में कोई सारी चीज़ें हो गई, टर्नर भी हो गया, अम्बर्टो भी हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई, स्टैंडिंग ऑर्डर हमने वहां से पिक कर लिया। अच्छा, अब एक चीज़ स्टूडेंट के माइंड में ये आ सकती है कि ये जो बैलेंस है, एक बैलेंस जो है ना इसके अंदर ये वाला
35 वाला, ये 35 वाला बैलेंस आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। 35 वाले बैलेंस को आप चेक करें, 35 वाला बैलेंस आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर 35 वाला बैलेंस है क्या? तो देखें 35 वाला बैलेंस जो ना 3 जनवरी का है और 1 जनवरी को कैश बुक स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये पिछले महीने का हो सकता है, पिछले महीने का अनक्रेडिटेड बैलेंस हो सकता है। तो हम इसके अंदर है उसके अंदर नहीं है तो हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर ये एंडिंग में होता तो फिर हमें कंसिडर करना पड़ता। तो हम बैंक स्टेटमेंट में से नॉर्मली ना कैश बुक के आइटम्स निकालते हैं और कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट के आइटम्स निकालते हैं, यानी कि कैश बुक की डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से कंपेयर करके अनक्रेडिटेड निकालेंगे, उसकी क्रेडिट साइड को इसकी डेबिट साइड से कंपेयर करके अनप्रेजेंटेड निकालेंगे, और बैंक स्टेटमेंट से स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक चार्जेस, डायरेक्ट डेबिट, इस तरह की चीजें बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से कंपेयर करके निकालेंगे। अब आप इसको बैलेंस कर लें, एक ही बैलेंस था स्टैंडिंग ऑर्डर का, तो 684 में से 30 माइनस कर दें तो 654 आता है। ये 654 यहाँ लिख दें, अब इसको चेक कर लें, अगर हमारा आंसर 64 बनता है तो इसका मतलब हमने ठीक किया। 649 बैंक बैलेंस माइनस 72 माइनस 109 प्लस 186, 654 टाई हो गए, दोनों बैलेंस टाई हो गए, ठीक बैलेंस आ रहा है। अब इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। लेकिन पहला मैकेनिज्म ये है कि पता होना चाहिए स्टेप नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दूसरा मैकेनिज्म स्टेप नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और फिर सवाल के रिक्वायरमेंट्स को पकड़ के देखना है कि स्टेप नंबर 1 से काम चलेगा तो डायरेक्ट स्टेप नंबर 1 बना लें, स्टेप नंबर 2 से काम चलेगा तो सिर्फ स्टेप नंबर 2 बना लें, और अगर दोनों से काम चलेगा तो रिक्वायरमेंट केयरफुली देखकर अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है।